bitch from the A. She say she wanna fuck me when she say I put my chains on. Fucking on a married bitch, but she ain't got her rings on. Every time she get a phone call, I'm on a ring. Hi friends, welcome back to my channel. मेरे चैनल पर आप सबका इस्तकबाल है। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आंवला सुनकर ही सबके मुंह बिगड़ने लगते हैं, लेकिन ये हमारे लिए बहुत फायदेमंद है। इससे हमारा इम्यून फंक्शन ठीक रहता है, विटामिन सी भी बहुत होता है, ये लीवर और किडनी के लिए भी बहुत फायदेमंद है। इससे हमारे बाल काले और घने होते हैं, आईसाइट भी इम्प्रूव होती है, हेल्दी और ग्लोइंग स्किन के लिए भी काम करता है। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि आंवला कैंडी कैसे बनती है। वैसे तो इसे अचार, मुरब्बा और कई चीज़ें बनाकर खाई जाती है, लेकिन मेरे बच्चों को आंवला कैंडीज बहुत पसंद आती है। इसका टेस्ट उन्हें जली जैसा आता है, तो इन्हें खिलाना आसान हो जाता है। इसे बनाने का तरीका देखने के लिए वीडियो एंड तक ज़रूर देखें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये आंवला तकरीबन 400 ग्राम है। इन्हें पहले हमें बॉईल कर लेना है। बॉईल करते वक्त ध्यान रखें, सिर्फ 10 से 12 मिनट लगेंगे बॉईल होने में। देखिए फ्रेंड्स, ये अच्छे से बॉईल हो गए हैं। ऐसी कटे पड़ने लगे तो अपना गैस का फ्लेम बंद कर दें। ठंडा होने के बाद इसके पीसेस कर लें। ये आसानी से टूट जाएंगे, कोई मेहनत नहीं लगेगी। ये पानी जो हमने बॉईल किया है, इससे आप अपने हेयर वॉश कर सकते हैं। इससे आपके बाल काले और चमकने लगेंगे। रेगुलर यूज करने से ही फर्क दिखाई देगा। इन पीसेस को एक कांच के बर्तन में निकाल लें। स्टील या सिल्वर का इस्तेमाल ना करें। अब इसमें एक कप यानी 250 ग्राम चीनी मिला लें। और इसी के साथ एक टेबलस्पून नींबू का रस मिला लें। नींबू का रस मिलाने से हमारी कैंडीज काली नहीं होंगी। अब इसे एक कपड़े से टाइट बांध लें और 2 से 3 दिन के लिए धूप में दिखाएं। अगर आपके घर में धूप नहीं आती तो छांव में भी रख सकते हो। डेली एक बार इसे मिला लें। देखिए, इसमें शुगर सारी डिसॉल्व हो गई है।
तो फ्रेंड्स 3 दिन हो गए हैं, इसे हम अब अच्छी तरह छान लेते हैं। एक बड़े से थाले में फैला लें, इनका चिपचिपापन निकलने तक सुखाएं। धूप में रखेंगे तो 2-3 दिन लगेंगे। ये शुगर सिरप इससे थोड़ा पकाकर छान लें और फ्रिज में स्टोर करके रख लें। जब भी आपका जूस पीने का मन हो तो इसमें पानी और आइस मिलाकर पी लें। आपका हेल्दी ड्रिंक तैयार हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, इन्हें धूप में सूखे हुए 3 दिन हो चुके हैं, ये अच्छे से सूख गई है। ये कैंडीज मेरे बच्चों को इतनी अच्छी लगती है, सूखते हुए ही उन्होंने आधी खत्म कर दी। अब इसमें 2 टेबलस्पून पिसी हुई चीनी यानी शुगर पाउडर मिला लें। और इन्हें स्टोर कर रख लें। वीडियो अच्छी लगे तो थम्स अप दें और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। हेल्दी रहें, खुश रहें।